हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे सिल्वर एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लेट्स स्टार्ट विद द मंथली चार्ट। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सिल्वर में हमने क्लोजिंग देखी है 60,800 के अराउंड, लगभग 500 रुपये नीचे बंद हुआ है, लगभग 1% डाउन। तो यहाँ मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने लगभग R1 कंप्लीट कर लिया है। सिल्वर के, गोल्ड के सभी टारगेट अच्छी हो चुके हैं इस साल के इन्वेस्टमेंट के, मगर सिल्वर के नहीं हुए। तो यहाँ जो है तो सिल्वर अंडर परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू गोल्ड। और यहाँ जो है तो हो सकता है कि हमें आगे सिल्वर के 75,000 और 81,000 के टारगेट जो है तो वो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मंथली चार्ट अभी भी बुलिश है। और यहाँ जो है तो हम जो गेंस हमने एक्वायर किए हैं वो होल्ड कर रहा है सिल्वर। तो यहाँ हमें फिर से जो है तो फॉलो अप बाइंग देखने को मिल सकती है। और हम जो है तो सिल्वर में 75 और उसके ऊपर के भी लेवल जो है तो आने वाले हफ्तों और महीनों में देख सकते हैं। मंथली चार्ट मुझे बुलिश लग रहा है, इंडिकेटर वाइज, प्राइस वाइज यहाँ बुलिश पैटर्न है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो इन्वेस्टर हैं जिनके पास फिजिकल गोल्ड है या फिर फिजिकल गोल्ड या फिर फिजिकल सिल्वर है या फिर सिल्वर ETF है, तो उनके लिए सलाह रहेगी कि आप होल्ड कर सकते हो 75 और 81,000 के टारगेट लेवल के लिए। और ये लॉन्गर टर्म के लिए कॉल रहेगा, ये इन्वेस्टमेंट कॉल है। तो मंथली चार्ट मुझे बुलिश लग रहा है और हमारे टारगेट रहेंगे 75 और 81। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने टॉप बनाया था लगभग 73 के अराउंड, वहाँ से करेक्शन आया। और वो करेक्शन आने के बाद सिल्वर जो है तो सिल्वर ने सपोर्ट लिया है लगभग 67,000 के अराउंड, और वहाँ से जो है तो बाउंस बैक के सिग्नल दिखा रहा है। तो ये अगर ये यहाँ सस्टेन करता है तो हम फिर से 73 और 75 के लेवल जो है तो मीडियम टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जिन्हें स्विंग ट्रेड लेना है उनके लिए सलाह रहेगी कि जो हमने यहाँ लो लगाया था, यहाँ लो था लगभग 67,100 के अराउंड, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रख के आप यहाँ बाय ऑन डिप्स व्यू रख सकते हो और एक्युमुलेट कर सकते हो सिल्वर में। आपका जो मीडियम टर्म स्विंग टारगेट रहेगा 73 और 75 का रहेगा, और मैक्सिमम टारगेट रहेगा आपका, मगर ये जो टारगेट है ये आने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो वो टारगेट रहेगा 81,000 का। तो वीकली चार्ट पे भी सिल्वर जो है तो बुलिश लग रहा है, और यहाँ बाय ऑन डिप सी स्ट्रैटेजी आपको रखनी होगी। आपको बाय करना है 67,100 के जितना करीब आता है कभी करेक्शन में, तो उसके अराउंड आप बाय करना है विथ अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस टारगेट 73,000 और 75,000 की। और इस वीक का जो पॉजिटिव क्लोजिंग है, हमने 1.5% गेन के साथ सिल्वर को बंद होते देखा है, लगभग 1,000 रुपीज गेन के साथ। तो ये सिग्नल कर रहा है कि ट्रेंड जो है तो कंटिन्यू हो सकता है यहाँ से, और हम जो है तो सिल्वर में मीडियम टर्म में फिर से ऊपर के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो सिल्वर ने सभी टारगेट अचीव कर लिए हैं। शुरुआत हमने पीवोट के ऊपर से की थी और वहाँ से जो है तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फिजिकल बाइंग की वजह से सिल्वर ने हमें जो टारगेट थे वो पूरे अचीव कर दिए। उसके बाद में एक डीपर करेक्शन भी देखा, और करेक्शन में हमने लो लगाया 67,100 के अराउंड। उसके अराउंड कंसोलिडेशन करने के बाद सिल्वर फाइनली जो है तो अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है, अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है। तो यहाँ बाय ऑन डिप्स व्यू रहेगा जब तक सिल्वर जो है तो 67,900 या फिर 67,900 के ऊपर जब तक है सिल्वर, तब तक मेरा व्यू सिल्वर पे बाइंग का ही रहेगा। हमारा व्यू रहेगा बाय ऑन डिप्स, टारगेट रहेगा हमारा 70,900 का, ये शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा। तो शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स है उनके लिए सलाह रहेगी कि आपको सिल्वर बाय करना है 67,900 के अराउंड। स्टॉप लॉस आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो 67,100 के नीचे रखना है, तो उसके अराउंड बाय करते हो तो 800 रुपये का स्टॉप लॉस बैठता है। अगर सिल्वर 70,900 पे जाता है तो आपको 3,000 का प्रॉफिट मिलेगा। तो आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखोगे तो आपको 800 रुपये की रिस्क है और 3,000 का प्रॉफिट है, तो लगभग 1:4 के अराउंड जो है ये रिस्क रिवॉर्ड बैठता है। तो एक अच्छी खासी डील है। आपको जो है तो सिल्वर में लॉन्ग व्यू रखना है। हम बाय करेंगे 67,900 के अराउंड, स्टॉप लॉस 67,100 के नीचे, टारगेट 70,900। अगर उसके ऊपर जाता है तो फिर से हम जो है तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है
तो बुलिश हो जाएगा। करंटली सिल्वर जो है तो बाउंस बैक मोड में है, और यहाँ बाउंस बैक जो है तो 70,900 तक बिल्कुल दिखा सकता है सिल्वर। तो यहाँ लॉन्ग व्यू रहेगा, सिल्वर डेली चार्ट पे लॉन्ग व्यू, वीकली चार्ट पे भी अर्ली कंटिन्यूएशन साइन, और यहाँ जो है तो 75-81 के जो टारगेट है वो शायद सिल्वर अचीव कर सकता है। मंथली चार्ट पे भी जो है तो एक फिर से एक्युमुलेशन करने की मुझे लगता है कि सिल्वर अपॉर्चुनिटी दे रहा है। यहाँ जो है तो जब तक हम इसका जो लो है लगभग 66,500 के नीचे नहीं जाते, मुझे नहीं लगता कि ये करेक्टिव फेज में जाएगा। तो करंटली जो मोमेंटम है लॉन्गर टर्म चार्ट पे भी वो शायद आगे चल के कंटिन्यू हो सकता है। तो सिल्वर पे मेरे मंथली, वीकली और डेली तीनों पे जो है तो अभी फिलहाल के लिए बुलिश भी हुए, और यहाँ मुझे लगता है कि आपको बाइंग ही करनी चाहिए विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो विद लाइव मार्केट सपोर्ट एंड फॉलोअप तो मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।